हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही खतरनाक कहानी। यह कहानी शुरू होता है जंगलों के बीच से। वहाँ पर एक जादूगर रहता था और धीरे धीरे बूढ़ा होने के कारण उसकी शक्तियाँ ख़त्म होते जा रही थीं। वह अपने शक्तियों को वापस पाने के लिए 100 सुअर को पकड़ रहा था। उसके पास उसके दोस्त का दिया हुआ एक टूटा हुआ बनाना कार था। वह सोचने लगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। वह उस बनाना कार को अलग करके एक आधा बनाना कार बनाता है। वह उस बनाना कार की खूब टेस्टिंग करता है और जंगल में उस बनाना कार को लेकर इधर उधर चला जाया करता है। इस तरह जब वह बनाना कार एकदम अच्छे से चलने लगा, वह सुअर को चोरी करने के लिए गांव के अंदर घुस जाता है। गांव में जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तब वह उनके घरों में घुस जाता और उनके सुअर को चोरी कर लेता। इस तरह धीरे धीरे वह कई सुअर को पकड़ लेता और अपने बनाना कार के पीछे डिग्गी में रख दिया करता था। धीरे धीरे वह कई सुअर को उस बनाना कार के अंदर रख देता और उसको पीछे से वह बंद भी कर देता। काफ़ी दिनों तक वह इस तरह सुअर को चोरी करने लगा और खूब रफ्तार से अपने बनाना कार को चलाते हुए वापस जंगल के अंदर भाग जाया करता था। किसी को पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते उसके पास 100 सुअर हो गए थे। 100 सुअर पूरा होते ही वह एक जादुई दरवाजे के पास गया और कहने लगा, हे जादुई दरवाज़ा, मैं 100 सुअर लेकर आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ऐसा कहते ही वह दरवाज़ा रुक जाता है और एक एक करके वह सभी सुअर को उस दरवाजे के अंदर भेज देता है और खुद भी अंदर आकर कहने लगता है, हे दानव, मैं तुम्हारे लिए 100 सुअर लेकर आया हूँ, इनको जल्दी से खाओ और मुझे शक्तिशाली बना दो। वह भयानक चमगादड़ एक एक करके सभी सुअर को खा जाता है और धीरे धीरे जैसे ही 100 सुअर को वह खा लेता, वह उस जादुई दरवाजे के अंदर से आज़ाद हो जाता है। चमगादड़ और जादूगर दोनों उस जादुई दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। उस चमगादड़ को उसका जादुई पत्थर भी मिल जाता है। जादूगर कहता है, देखो, मैं तुम्हारे लिए 100 सुअर लेकर आया था और तुम्हें उस जादुई दरवाजे से आज़ाद कराया, मुझे वापस से शक्तिशाली बना दो। ठीक है, मैं तुम्हें वापस शक्तिशाली बना दूंगा। ऐसा कहकर वह चमगादड़ उस जादूगर को शक्तियाँ दे देता है और वह जादूगर एक दानव का रूप धारण कर लेता है और बहुत ही खतरनाक हो जाता है। उधर सुंदरपुर में टिंकू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, मुझे भी खिलौने चाहिए, कैसे भी कर मेरे लिए खिलौने लेकर आओ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा खिलौना बनाऊंगा, बस तुम थोड़ा इंतज़ार करो। ऐसा कहकर टिंकू के पिताजी अगले ही दिन एक तरबूज टैंक बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के मेहनत के बाद एक बहुत ही अच्छा तरबूज टैंक बन जाता है। यह देखकर टिंकू बहुत खुश होता है। उसके बाद टिंकू और उसके पिता उस तरबूज टैंक को लेकर गांव में इधर उधर घूमने लगते हैं। उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था और वह अलग अलग तरह के टॉनिक बनाकर मुर्गियों को पिला देता या खुद पी जाता। इस तरह उसके टांग लंबे हो गए थे। उधर वह दानव और चमगादड़ गांव पर हमला कर देते हैं और चारों ओर तबाही मचा देते हैं। उस भयानक चमगादड़ और दानव को देखकर गांव में सभी लोग बहुत डर गए थे और इधर उधर भागने लगे थे। वह चमगादड़ अपने जादुई पत्थर की मदद से सारे घरों पर हमला करके उनको तोड़ देता है। उधर यह सब देखकर चंपक अपने मुर्गियों को एक टॉनिक पिलाता है। वह टॉनिक पीते ही उसकी मुर्गियां बहुत बड़ी हो जाती हैं।
फिर वह सभी उस दानव पे हमला करने जाने लगते हैं। उधर वह चमगादड़ अपने जादुई पत्थर की मदद से ट्रेन पर हमला कर देता है और वह दानव एक मीट शॉप की ओर जाने लगता है। मीट के दुकान के सामने एक सजाने के लिए चक्कू रखा था। वह दानव उस चक्कू को उठा लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उस चक्कू की मदद से वह इधर उधर हमला करने लगता है। वह सभी मुर्गियां वहां पर आ जाती हैं। उनको देखकर वह दानव उन मुर्गियों पर भी हमला कर देता है। टिंकू के पिता मोहन अपना तरबूज टैंक लेकर उस दानव पे हमला करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह अपना टैंक लेकर उस दानव की ओर बढ़ने लगते हैं और उस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन वह दानव बहुत ही खतरनाक था। वह कूद के उस टैंक के पास आ जाता है। वह बहुत देर तक उस टैंक के ऊपर हमला करने लगता है और अपने चक्कू के मदद से उस तरबूज को काट देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ट्रेन आती है और एक डब्बे को बहुत तेज टकराती है। वह डब्बा सीधे उस दानव के ऊपर जाकर गिरता है और वह दानव नीचे दब जाता है। फिर वह टैंक उस चमगादड़ पर हमला करने लगता है। उसके सर से वह जादुई पत्थर अलग हो जाता है और वह चमगादड़ मर जाता है। फिर वह लंबा आदमी उस जादुई पत्थर को समुद्र में फेंक देता है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंपापुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उसी गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। सुरेश के पास गांव में बहुत सारी जमीन थी और वह उस पे बहुत सारे तरह तरह के फसल उगाया करता था और उनको बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था और वह बहुत ही बदमाश था। वह लोगों को परेशान किया करता था। चंपक अपने दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देता था। जब भी रात को गांव में वह सो जाते, चंपक वहां पर जाके उनको परेशान कर देता। एक दिन चंपक एक आदमी के पास जाता है और उसको खूब पीटता है और उसके बाद बिस्तर के नीचे छुप जाता है। वह आदमी उठकर चारों ओर देखता है और सोचने लगता है, लगता है कोई बुरा सपना देखा हूँ, चलो वापस सो जाता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे सपने आ रहे हैं आजकल। एक दिन सुरेश अपने खेत को जोत रहा था, तभी वह एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे डायमंड्स थे। उन डायमंड्स को देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। यहाँ तो बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन इन डायमंड्स के बारे में गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। वह उस गड्ढे को अच्छे से ढक देता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वह अपने काम में लग जाता है। वह उस गड्ढे से कुछ हीरो को बाहर निकाल लेता है और उनको बेचकर बहुत पैसा पाता है। वह अपने लिए मनपसंद स्पोर्ट्स कार ले लेता है और गांव में बस का भी सर्विस शुरू कर देता है। यह सब देखकर चंपक गांव वालों से बोलता है, ये सुरेश के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसने इतना जल्दी बहुत सारा कार और बस खरीद लिया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। एक दिन चंपक अपने दोस्त को परेशान करने के लिए उसके घर के सामने बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है और थोड़ी देर बाद वह उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है और अंदर से उस गड्ढे को ढक देता है। वह अंदर उस गड्ढे को खोदकर और बड़ा बना रहा था, लेकिन खोदते खोदते वह उन डायमंड्स के पास पहुंच जाता है और उन डायमंड्स को देखकर वह बहुत खुश होता है। सुरेश के खेत के नीचे से आ रहे सुरंग को देखकर चंपक को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह सोचता है, जल्दी से मैं इन सभी हीरों को यहाँ से गायब कर देता हूँ, नहीं तो वह सुरेश इनको कहीं छुपा लेगा।
चंपक अपने दोस्त को उठा देता है और डायमंड्स के बारे में अपने दोस्त को पूरी बात बताता है और कहने लगता है, जल्दी करो, हमको जल्दी से उन डायमंड्स को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। उसका दोस्त बोला, इस गांव के चारों ओर पुलिस चेक पोस्ट है, उन डायमंड्स को यहाँ से छुपाकर लेकर जाना पड़ेगा, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे वह कहने लगता है, बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ लगा है, जल्दी से एक बहुत बड़ा ट्रक और चार बड़े बड़े टायर लेकर यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। उसके फ़ोन करने के बाद उसका दोस्त जल्दी से वहाँ पर एक ट्रक और चार बड़े बड़े खाली टायर लेकर आता है। वह दोनों उस आदमी को भी हीरे के बारे में बताते हैं और मदद करने के लिए कहते हैं। चंपक जल्दी जल्दी आधे डायमंड्स को उस सुरंग से बाहर निकाल देता है और उसके दोस्त धीरे धीरे उन सभी आधे डायमंड्स को टायर के अंदर भर देते हैं। जब वह सभी टायर को उस ट्रक के ऊपर रख देते हैं तभी चंपक कहता है, जल्दी से इन सभी डायमंड्स को कहीं पर छुपा कर आओ, आधे डायमंड्स और बचे हैं नीचे, उनको भी लेकर जाएंगे हम लोग, चलो अब जल्दी से जाओ। चंपक के दोस्त जल्दी से वह ट्रक लेकर वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी सुरेश का नींद खुल जाता है और वह चारों ओर देखने लगता है। ट्रक को देखकर वह पूरी बात समझ जाता है और एक बोतल में आग लगा के उस ट्रक के ऊपर फेंक देता है। आग लगते ही वह सभी टायर एक ओर लुढ़क जाते हैं और घूमते हुए सीधे चंपक की ओर जाने लगते हैं। चंपक यह देखकर पीछे भागता है, तभी वह गड्ढे में गिर जाता है और सभी टायर उस सुरंग के अंदर गिर जाते हैं। मिट्टी टूटने के कारण सभी टायर पानी के अंदर बह जाते हैं।